कि अपना परिवार में आज बने, आज हम ऐसे देखते डीजे इस परिवार कि हम हूँ भी वो बेटा है। अब बेटा होते के कारण नाते हमारी कर्तव्य बात, ये घर के फंक्शन हमारा अपन फंक्शन, और हमारा राजू भैया जो कि उनके कर्ता धरता है और हम सबके गार्जियन है, और राजू भैया को हम लोगों को राजू भैया को विधायक बनाना है, ताकि ऐसा कार्यक्रम ऐसा फंक्शन हम हमेशा अपने विजेश परिवार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये परिवार सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर उस लाचार व्यक्ति का है जो कुछ करना चाहता है। और ये मुंबई शहर में जब हम जाते हैं, हमारे पास घर हो या ना हो, हमें कभी चिंता नहीं हुई कि हमें रहने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस परिवार का इतना बड़ा साम्राज्य है, जहाँ पे कोई भी कलाकार, चाहे मैं हूँ, मनोज तिवारी जी हो, रवि भैया हो, दिनेश भैया हो, या सुभी शर्मा जी हो, चाहे जितने भी कलाकार बंधु हैं, सब लोग उस परिवार के एक सदस्य है, उस परिवार के एक बेटा है। तो थैंक यू कि आज मेरे परिवार में मुझे गाने का आमंत्रित मिला, लेख लेखन हो, और प्रयागराज मेरे लिए नया नहीं है। मैं भी इसी धरती पे एक बहुत प्यारा सिनेमा किया था आशिकी, और मैं यहाँ शूट भी किया था, और बहुत बड़ी सिनेमा हिट थी, मैं और अमरपाली दुबे जी उसमें काम किए थे। तो आप लोगों को बरात में बहुत सारे कलाकार भी आएंगे, तो आप लोग आनंद उठाइएगा, बरात जाइएगा जरूर, ताकि वहां पे आपको मनोज भैया देखने को मिलेंगे, रवि भैया, दिनेश जी, अमरपाली जी, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं घर का हूँ, इसीलिए मैं घर पे हूँ। ईश्वर भैया को कलेम मूर्ति सजाएगा मनोज भैया का। अच्छा, सरिया घर का आदमी है, नहीं नहीं, सब लोग घर परिवार के हैं, मैं थोड़ा ज्यादा क्लोज हूँ, मैं वो लोग दिमाग में है, मैं दिल में हूँ, सीधे दिल में होता था। आइए, और हमारी सुभी जी को भी दिल से धन्यवाद कि आप हमारे परिवार का आकर शोभा बढ़ाई। इनके साथ बहुत सारी मैंने मूवी भी किया है, और बड़े प्यारे मूवी किए हैं, इनका एक गाना भी बड़ा हिट था, कि नहीं है बंगलिया से बंगलिया। ठीक है, थैंक यू, जितना इन लोगों को शांत करने की कोशिश करिएगा उतना ही हल्ला करेंगे, इसीलिए इनको हल्ले ही करने दीजिए। ये बेचारे इंजॉय कर रहे हैं, और खेसरिया रोज रोज थोड़ी घटाई। कहने का मौका मिल रहा है अपने परिवार के साथ, कितना लोग माई से प्यार कर रहे थे, हाथ उठाओ।
और कितना लोग मेहरारू से बोलेगा मेहरारू से। देखिए जिसका जिसका शादी नहीं हुआ है ना वही लोग हाथ उठाए रोजो तो बदला जिसमें मजा आ जाता है ना वो अश्लील होता ही नहीं है। लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे? वो कहते हैं कि भजन गाते हैं भाई तो कोई सुनता ही नहीं है, लोग गीत गाते हैं तो अश्लील हो जाता है। अब गाओ गाओ अब प्रवचन करने के लिए हम सबके गुरुदेव धीरेन्द्र बाबा है ये है। अब हम प्रवचन तो गरम जाना भाई दिखाओ अरे किसा जलता दरबार भगत के है बना कपू जही आप एहन नजा माइक छोड़ रहा है बताओ तरह से तो माइक नहीं के समरा तो धर मेहरानी कैसे समराई तारे सना के मेहरानी दूसरा सगा भाग नहीं सके एक से अपने नहीं करेंगे तो भागी हो जाएगी। माइक छोड़ रहा है बोलिए ना दूसरा देने के लिए भैया माइक कवर छोड़ रहा है माइक कवर छोड़ो चाहे ब्याज के बैटरी ना के माइक डाल के दे माइक के लागल गावे माइक के लागल गावे दूसरा माइक तो दूसरा
कि आई बढ़ाऊं फूल हो खेलिया सरबाद कि कल साथ में आए आई बढ़ाऊं फूल हो भोजपुरी आती है ना? हाँ तब ठीक है, तब कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा क्योंकि जिसके उपलक्ष में हो रहा है अब पता चला कि ऐसा ना हो कि सौरभ ये बोले कि अरे पापा कहाँ कर दिए हैं सब सब हमको समझे में नहीं आ रहा है जिसका शादी हो रहा है उसी को समझ में नहीं आ रहा और दिया लास्ट में कह दिया कि बाबा अकेले से यही ले अब हो जाता रहे अब बबुआ के साथ की आइल मारे कि मन भक्ति से कहियो न भागेला प्रसादी घेर दे रहे कभी हम खाए वाला बात है सभे सभे चिकने में तो मिला
आज के जमाना में लेकिन सबके अपन अपन भोजन जिंदगी में ये हम लोगों को अवसर मिला है, ये ऐसे नहीं मिला। हर आदमी बड़ा हो सकता है, कोशिश करिए। आप गरीब हैं तो ये शराब नहीं है, आप खुश नसीब हैं। क्योंकि अमीर गरीब बनता है लेकिन गरीब अमीर बनता है। आप अपने आप को सोचिए, अपने आप को पढ़िए, आज नहीं तो कल आपके पास वो आंसर होगा। यार मेहरारू भैया की गर्लफ्रेंड गरीब हो जाए कि जो मेहराती मैया आज हम लोग शीतला धाम पे हैं, इसलिए दो भजन वहां के लिए गाना जरूरी है। और बात तो तुम चाहते बड़े हम गा रहे किसी भी चीज का एक जगह होता है, जगह पे अच्छों का मोल होता है, तो जगह अच्छों का मोल गोल होता है। तो जगह पे हर चीज अच्छी लगती है। आज हम लोग जिस कंसर्न में है विजेश रूप, ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हम इस परिवार के एक हिस्सा है। और चाहे ईश्वर भैया हो या राजू भैया हो और दो बड़े भाई मेरे और सबने बड़ा प्यार और सम्मान से हमें पाला है, हमें संवारा है। कि जो मैया हमें भी अच्छा लगेगा, ये तो बोले भाई। अच्छा देखा लो, जब हम इधर में बात करें ना तो हैया बना देना, यूट्यूब पर चलाओ तो है एक को जना ना चढ़िए। अच्छा चढ़ाता है, चढ़ी तो है ना चढ़ी, और चढ़ी तो है चढ़ी। कि जो मेहरा हाथ मैया के को जलिया तक उठा मैया माथे
गाने को लिखने वाला बहुत बहुत ही प्यारा राइटर हमारा भाई पुंतुन है, आओ तो जरा इन्होंने ये गाना लिखा है, अकमरिया को भाला चली उन्हीं का लिखा हुआ गाना है। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि टुंटू ने चुनरिया ले लाई है, वो भी गाना इनका लिखा हुआ। और बहुत प्यारा राइटर है मेरा भाई, ये छोटा है और ऐसे ही आप पूछ रही है, इनकी कंपनी भी है जिसके कमरिया पे भाला चली आया था, आप लोग ऐसे ही प्यारा से बात करिएगा। टुन टुन खेसारी करे ले तुहार हो, रे मलबारे आशीर्वाद करे ले तुहार हो, टुन टुन खेसारी करे ले तुहार हो, रे मलबारे आशीर्वाद करे ले तुहार हो। कि जो मेरा हाथ की मैया तोहरी पाँव के पजनिया, कि जो मेरा हाथ की मैया तोहरी पाँव के पजनिया, पजना को उठा दे मैया घरे इधर हाई कीजिए, भाई लोग देख रहा है आपको। बोला कौन गाना के बारे में, देखिए ये टिकट भैया हम सब के लाइव का रवि का गाना हो रहा था, बाबा हमारे यहां जो आदम से वायरल रहते हैं वो ऐसी है, बहुत अच्छा होता है। ये बिट्टू है क्रिकेटर बन गया, पहला पर ध्यान नहीं को देता आज खाया था नहीं, नॉन रोटी खाएंगे जिंदगी से नहीं बिताएंगे। चलिए हमारे दुलार सरकार का फरमाइश है कि नॉन रोटी खाएंगे जिंदगी से नहीं बिताएंगे, तो भाई उनके लिए जरूरी है क्योंकि भाई आज ये जितना फंक्शन इतना आज इतना पैसा भुका गया है सिर्फ उनके खुशी के लिए, तो मैं चाहता हूँ उनके खुशी के लिए गाना गा देता हूँ। और जितनी भी चीजें होगी आज उन्हीं की खुशी के लिए होगी, हम सब अगर इकट्ठा हुए हैं आज डिजीज परिवार में एक और मेहमान का आने का आज आगमन है, उस मेहमान का भी स्वागत है, उस फैमिली का भी स्वागत है जिस फैमिली ने हम पे इतना विश्वास करके अपनी बेटी को हमारे घर की लक्ष्मी बनाकर सौंपा है, उस परिवार का भी ढेर सारा स्वागत, ढेर सारी शुभकामना उस फैमिली को भी बनाए। कि सब कलर से हुए हैं फरार लोग छपरा लगा ठीक है, कि सब कलर से हुए हैं फरार लोग छपरा लगा के नजर, उन्हीं रोटी खाएंगे जिंदगी समही में, नून रोटी खाएंगे जिंदगी समहेंगे।